अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट सलमान शेख। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर आपको विजिट करवाएंगे जी ब्लॉक का, और आपको ये बताएंगे कि उधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो कैसा एरिया है, फिलिंग है या कटिंग है। तो अगर आप इधर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट दे के जाएगा या नहीं दे के जाएगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए आपको विजिट करवाते हैं जी ब्लॉक का। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं जी ब्लॉक में, तो चलिए आपको जी ब्लॉक दिखाते हैं और आपको हिल व्यू पार्क का भी विजिट करवाएंगे। तो दिस इज द जी ब्लॉक हाइटेड एरिया ऑफ सिटी हाउसिंग झेलम। तो इधर आपको ये भी बताएंगे जो जो इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है अवेलेबल है, ठीक है, वो भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे इधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज योर जी ब्लॉक। I will also show you the masjid in G block, also show you the commercials in G block. So be with me. So these are the commercials of G block. You can see it. There are two plazas. One is completely constructed, one is under construction. So this is the masjid in G block which is under construction. You can see it, very beautiful mosque. In front of it, it's Hillview Park. So now we are heading towards the Hillview Park. If you are new to the channel, then subscribe my channel, click the bell icon and also like the video. So be with us. तो अब इस वक्त हम मौजूद हैं हिलव्यू पार्क पे, तो आप ये देख सकते हैं दिस इज़ द हिलव्यू पार्क टॉप एरिया ऑफ सिटी हाउसिंग झेलम। यू कैन सी द व्यू फ्रॉम हेयर। लेट मी शो यू, दिस इज़ द हाइटेड एरिया ऑफ सिटी हाउसिंग झेलम। यू कैन सी द डेवलपमेंट फ्रॉम हेयर। तो काफ़ी भाई मेरे से पूछ रहे हैं कि इधर जी ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहले आपको मैं बताता हूं कि फर्स्ट जहाँ यहाँ पे ना प्लॉट बहुत सस्ते थे, हिलव्यू पार्क के आने से पहले इधर प्लॉट बहुत सस्ते थे, रीज़नेबल थे। तो अब जो है ये हिलव्यू पार्क के आप रोड देख सकते हैं, इस साइड पर भी प्लॉट है, उस साइड पर भी प्लॉट है। तो इनकी जो कीमत है, प्राइसिस है, 42 प्लस है, कुछ 42 मांगते हैं, कुछ 45 भी मांगते हैं, कुछ 50 भी मांगते हैं, कॉर्नर हो ठीक है, वो उस हिसाब से पैसे मांगते हैं। तो अगर आप इधर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। काफ़ी सारा ये जो एरिया है ये कटिंग का एरिया है, तो हमारे पास इधर जी ब्लॉक में दो प्लॉट मौजूद है, एक जी 36 स्ट्रीट में है और जी 30 स्ट्रीट में है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप कोई भी बाई करना चाहता है तो इधर कर सकता है। अगर आप अभी इधर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो मैं आपको इधर से बताता हूँ, हमारे पास इधर फेसिंग हिलव्यू पार्क एक 7 मरला प्लॉट था जो कि कॉर्नर था, वो हमने सेल किया था 48 का। अब वो प्लॉट एक महीने पहले हमने वो सेल किया था, अब वो जो प्लॉट है वो वर्थ कर रहा है 55 का। आप देखें एक महीने में कितना राइज आया है यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे प्राइसेस एज सच हाई नहीं थी, हिलव्यू पार्क के आने की वजह से यहाँ पे प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ कर गई है,
और दूसरा ये एरिया काफ़ी सुकून वाला एरिया है, अपनी रिहाइश के लिए बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी अच्छा है और अपनी रिहाइश के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपकी किसी भी किस्म की क्यूरी हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल दी हुई है, तो आप मेरे साथ उधर रब्ता कर सकते हैं। आपके लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।